मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और गिरफ्तारी को वैध माना। कोर्ट ने कहा कि यह जमानत का मामला नहीं है, गिरफ्तारी को चुनौती है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी के रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की दलील है, अब तक के सबूत ये बताते हैं कि केजरीवाल संजोयक है। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरद रेड्डी और राघव मुगंता के बयान का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, न कि जांच एजेंसी तय करती है। अगर सवाल उठता है तो फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है।